जी, दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? गाइस, दिवाली की तैयारियां चल रही हैं एकदम पूरी फुल स्पीड से, और बेसिकली दिवाली सेलिब्रेट भी हो चुकी है बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन अभी देखो, इसी तैयारी के टाइम के बीच में ही आपके लिए टाइम निकाल के इट्स टाइम टू रिकॉर्ड संडे टेक मसाला, जहाँ पे आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे यूजिंग हैशटैग बोलोगुरुजी उनका जवाब देना है, और सवाल जितने भी हैं सबके आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है क्षितिज की तरफ से, वो कह रहे हैं साइबर ट्रक की डिलीवरी में और कितना टाइम है एंड उसके बाद कौन सा व्हीकल लेने का प्लान है? अरे क्षितिज भाई, परेशान कर दिया टेस्ला वालों ने। मतलब अभी तक डिलीवरी स्टार्ट नहीं करी है भैया दुबई में, मतलब यूएई में। बेसिकली अनऑफिशियल जो है साइबर ट्रक्स वो जरूर मिल रहे हैं जो यूएस से यू नो इम्पोर्ट किए हुए हैं, बट देन अगेन उसमें फिर वो सारे ऑप्शन अगर चाहिए आपको दिस दैट, मतलब और प्राइस ही प्रीमियम ले रहे हैं। तो मैं वेट ही कर रहा हूँ। अब अगर तो हो गई टाइमली तो ठीक है, वरना हो सकता है मैं उसको स्विच करके हमर ईवी या हमर ईवी के अलावा रिवियन का तो खैर इतना नहीं, बट कुछ एक्साइटिंग शायद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो लेट्स से नेक्स्ट ईयर मेरे बर्थडे के अराउंड आई विल प्लान फॉर समथिंग। विद्युत कह रहे हैं गुरुजी आपका कैरी मिनाटी के साथ वीडियो बहुत फनी है। अरे भाई थैंक यू, आपको अच्छा लगा वीडियो और बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा लगा वीडियो। वैसे ट्रस्ट मी, क्या बोलते हैं उसको मैंने उसमें एक्टिंग नहीं करी है। जस्ट किडिंग गाइज, मज़ा आया बहुत। मिस्टर लीस्ट को खरीदने का सबसे ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस था, मतलब उससे बेटर क्या है पीछे, मतलब सोचो। मयंक जानना चाहते हैं गौरव भैया व्लॉग्स कब आएंगे? अरे मयंक भाई, मैं खुद परेशान हूँ यार, मैं खुद को इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब आपको मैं जवाब कहाँ से दूँ? मेरा भी जब कोई बार अंदर से आवाज़ आती है कि भाई व्लॉग्स कब आएंगे, तो खुद को ही मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। बट यू नेवर नो, कुछ क्या पता आपको दोबारा से उस चैनल के ऊपर चीज़ें देखने को मिलें इन टर्म्स ऑफ व्लॉग्स, इन टर्म्स ऑफ कुछ और टाइप का कॉन्टेंट, कुछ यूनिक चीज़ें। स्टिल फिगरिंग आउट अगर कुछ बन पाता है तो लेट्स सी, बट ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे खाली, तो कुछ तो करेंगे ऑफ कोर्स। वॉइस ऑफ वर्ल्ड कह रहा है ज्यादा कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, छोटा सा आईफोन गिफ्ट कर दो। भाई गलत टाइम पे सवाल पूछ लिया आपने, अब तो एप्पल ने बनाना बंद कर दिया यार। मतलब बताओ ना, आप आईफोन 13 या उस टाइम पे पूछते 12 के टाइम पे तो छोटे वाला आईफोन मिल सकता था। अब तो यार एप्पल ने बड़े बड़े आईफोन बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब छोटे वाले एप्पल ने खुद ने डंप कर दिया। व्हाट कैन आई डू यार। श्रेयस पूछ रहे हैं सर व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिवाली, हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम सर, लव योर वीडियोस। थैंक यू श्रेयस भाई, पहली बात तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं। ऑल्दो फेस्टिवल निकल गया है बट बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग अभी तो दिवाली आनी बाकी है। स्पीकिंग ऑफ मेरी प्लानिंग, तो प्लानिंग क्या है यार, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ में बढ़िया टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छी वाली मिठाइयाँ खाएंगे, पूजा करेंगे, पटाखे चलाएंगे, अच्छा फैमिली टाइम साथ में स्पेंड होगा, मनो प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे अपनी और सबकी खुशियाँ मांगेंगे। यही है दिवाली। आई थिंक इतना अच्छा फेस्टिवल है, काफ़ी दिन मिलते हैं हमको सेलिब्रेट करने के लिए भी, तो मतलब या दैट्स द वाइब ऑल अबाउट। विवेकानंद कह रहे हैं BSNL रिवाइवल, बेनिफिट्स ऑफ हैविंग BSNL एज अ कॉम्पिटिटर। यार ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम ये चीज़ देखेंगे, बिकॉज अभी जो डुओपोली चल रही है ना एयरटेल और जियो की, इट इज़ नॉट रियली हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें। और BSNL का रिवाइव होना यू नो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक कॉम्पिटिशन भी आएगा और बेटर हमको, मतलब एज यू नो कंज्यूमर अगर हम देखें तो हमारे लिए तो इट्स अ गुड थिंग कि येस द मोर ऑप्शंस वी हैव द बेटर सर्विसेज वी गेट, दैट्स द यूजुअल ट्रेंड। साकिब पूछ रहे हैं हाउ डू यू मैनेज योर चैनल इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी, इज योर सिक्योरिटी रियली डिपेंडेंट ऑन योर डिवाइसेज और समथिंग एल्स? साकिब भाई बेसिकली क्या है ना, देखो सिक्योरिटी का सीन की मतलब डिवाइसेज पे तो ऑफकोर्स डिपेंडेंट है ही, और डिपेंडेंट इन द सेंस कि हार्डवेयर डिवाइसेज की बात कर रहा हूँ मैं, फ़ोन्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज गूगल की जो कीज़ आती है ना आई यूज़ दैट, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाता है, रैंडम डिवाइसेज पे लॉग इन नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं उसको, प्लस गूगल का एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है वो अलाउ भी नहीं करता है कि आप रैंडम जगहों से लॉग इन कर लो। मतलब मैं अगर अपना वाईफाई भी चेंज कर लूँगा तुरंत सामने अकाउंट लॉक हो जाता है, तो उसको फिर दोबारा की चाहिए होती है टू अनलॉक एंड ऑल। मतलब इट इज़ जेन्युइनली थोड़ा सा कई बार लगता है कि पेन है, लेकिन फिर ये अच्छे के लिए ही है बिकॉज इन सब चीज़ों की वजह से ही जो है वो सिक्योरिटी मेंटेन्ड है। उसके अलावा जो बेसिक हाइजीन वाली चीज़ें होती हैं कि अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना, अननोन अटैचमेंट्स को डाउनलोड नहीं करना, और रैंडमली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। अखंड भारत कह रहे हैं सबसे सुरक्षित मोबाइल कौन सा है? यार सुरक्षित मोबाइल सारे ही हैं, आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है। मतलब आईफोन भी सेफ़ है, आपका एंड्रॉयड भी सेफ़ है, इन जनरल चीज़ें सेफ़ हैं। अगर आपको चाहिए एकदम सुरक्षित तो भैया फिर वो नोकिया 1100 वाला जो होता है ना फ़ोन, अपना एकदम डम वाला फ़ोन वो ले लो जिसमें इंटरनेट ही ना हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, अगर हम नॉर्मल लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो एवरीथिंग इज़ सिक्योर। आपको आपकी हैबिट्स को ठीक करना ज़रूरी है, आपको आपके फ़ोन में क्या है और क्या नहीं है, और आपने किसको कितनी परमिशंस दे रखी हैं, कैसे आपके अंदर फ़ोन के में जो चीज़ें हो रही हैं उसको नॉलेज में रखते हुए यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आप ये सब करते हैं देन ऑल द डिवाइसेज आर सिक्योर। देवजॉय जानना चाहते हैं सैमसंग S10 अल्ट्रा अनबॉक्सिंग वीडियो कब आएगा? देवजॉय भाई, आपको वीडियो इस वीक में मिल सकता है, अगर वर्स्ट केस नहीं मिला तो नेक्स्ट वीक कंफर्म मिलेगा, बट जहाँ तक है इस वीक में क्या पता आपको मिल जाए S10 अल्ट्रा का अनबॉक्सिंग वीडियो। सईद जानना चाहते हैं, मैं अपने दोस्त से दुबई से S24 अल्ट्रा मंगा रहा हूं तो कौन सा लूं, इंटरनेशनल वर्जन या फिर मिडिल ईस्ट वर्जन? भाई आपके लिए तो दोनों ही इंटरनेशनल हो गए ना, वो तो दुबई वालों के लिए होता है जब वहां पे आप देखते हो कि मिडिल ईस्टर्न वर्जन चाहिए या इंटरनेशनल वर्जन चाहिए। एज एन इंडियन अगर आप यूज़ करोगे तो दोनों ही फ़ोन्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बोथ द फोन्स आर प्रीटी मच एग्जैक्टली द सेम। एज एन इंडियन अगर आप यूज़ करते हो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हार्ड बॉय पूछ रहे हैं, आई वॉन्ट टू परचेज अ न्यू फोन अंडर 25K, इज गैलेक्सी M55 5G वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ कैमरा, बैटरी एंड प्रोसेसर और एनी अदर बेटर देन दिस? यार ले सकते हो, अच्छा फ़ोन है, बट ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं नथिंग का फ़ोन 2a प्लस जो है वो काफ़ी सॉलिड है। OnePlus Nord सीरीज़ के अंदर आपको फ़ोन मिल जाएंगे, वो काफ़ी सही है। कैमरा थोड़ा सा आपको एकदम अगर प्रायरिटी चाहिए तो Realme का जो 13 Pro सीरीज़ है वो ले सकते हो। सैमसंग का भी ओवरऑल पैकेज बहुत सॉलिड है। तो मतलब डिपेंड्स कि आपकी प्रायरिटीज़ कहाँ जा रही हैं, बिकॉज मार्केट में ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इनफैक्ट शौर्य जानना चाहते हैं, सैमसंग ज़्यादा बेटर है या आईफोन? मुझे गेमिंग करनी है और कैमरा यूसेज प्लस एडिटिंग भी, और मेरे को सैमसंग या एप्पल का लैपटॉप लेना है तो मुझे टैब लेना चाहिए किसी एक कंपनी का या नहीं? मैं सवाल समझ नहीं पाया आपका कि आप लैपटॉप के लिए पूछ रहे हो पहली बात तो, या फ़ोन के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, आप टैब लेने की बात कर रहे हो या केवल लैपटॉप? तीसरी बात, आप लैपटॉप लेने के अलावा अलग से टैब की बात कर रहे हो या नहीं? थोड़ा सा फ्रेमिंग में पंगा हो गया, बट इन जनरल आपको बता देता हूँ। देखो, यू शुड बी क्लियर। मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, हम बराबर के फ़ोन्स पे कंपेयर करेंगे ना। ऑफकोर्स हम एक हाईएस्ट और दूसरा एवरेज वो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रो मैक्स से कंपेयर करना है तो आपको अल्ट्रा से कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस केस में प्रीटी मच दोनों ही चीज़ें एग्जैक्टली आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगी इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ वीडियो, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गई, वो सब चीज़ें। जो लिमिटेशंस कई बार आ जाती है वो आती है रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कई बार iOS के अंदर आपको कुछ चीज़ें बेटर मिलेंगी, कई बार आपको कुछ चीज़ें एंड्रॉइड के अंदर बेटर मिलेंगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखा है जो सैमसंग यूज़ करते आए हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से, और सैमसंग ही यूज़ कर रहे हैं। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो आईफोन यूज़ करते हैं। तो हर एक का एक अपना, ऐसा नहीं है कि जो सैमसंग यूज़ कर रहा है वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं अचीव करेगा, या आईफोन कर रहा है तो उसमें एक्सपीरियंस में मज़ा नहीं आएगा। इट डिपेंड्स। लैपटॉप की जहाँ तक बात है, वहाँ पे भी अगेन कंपैरिजन वो करना पड़ा है विद एप्पल्स टू एप्पल्स। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं मैकबुक प्रो 16 इंच की, तो फिर गैलेक्सी बुक अल्ट्रा से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको एकदम बेस लेवल में कंपेयर करना है, मैकबुक एयर को अगर आप कंपेयर करते हो तो फिर आप ठीक है गैलेक्सी बुक 4 से आप कंपेयर कर लो। तो ये डिपेंड करता है आपका यूजेज का, मेनली जो है वो कैसा रहता है पूरा सीन, एडिटिंग आप कौन से सॉफ्टवेयर्स पे करते हो, बहुत सारी चीज़ें। बट ट्रस्ट मी, दोनों ब्रांड्स इतने मैच्योर हैं कि आप कुछ भी लोगे ना तो आपको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। आपको किसी एक की तरफ तो झुकना ही पड़ेगा। मतलब चाहे आप सैमसंग में जाके वो पूरे इकोसिस्टम में अपने आप को कर लो कन्वर्ट, या फिर आप एप्पल में जाके फिर पूरा एप्पल का इकोसिस्टम देखो। दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस क्लियरली। श्वेता कह रहे हैं, सर आई हैव सैमसंग्स ओरिजिनल 25 वॉट्स चार्जर। वेन एवर आई चार्ज माई सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE फ्रॉम दैट चार्जर गेट्स टू हॉट। Should I buy a 45 watts charger for the tab because that tab supports 45 watts wired charging, or is there any issue in the tab or charger? नहीं, तो टैब में कोई इशू नहीं है आपका। अगर आपको चाहिए कि फास्ट चार्जिंग हो जाए तो 45 वाट वाला चार्जर आप ले सकते हो। लेकिन चार्जर का जो गर्म होना है वो कितना गर्म हो रहा है आप देखो, ये तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आपने केवल सवाल ही पूछा है। बट नॉर्मली गर्म होना इज नॉर्मल, दैट्स हाउ दे आर मेंट टू। मतलब चार्जिंग अगर आप कर रहे हो तो वो गर्म तो होंगे। ये देख लो आप कि हाँ एकदम ऐसा कहीं एकदम बंद कमरे में, और कमरा ही बहुत गर्म हो चुका है, उसका इमीडिएट भी बहुत गर्म है, और फिर अगर आप चार्ज कर रहे हो तो गर्म होना इज मतलब और ज़्यादा कॉमन होगा। लेकिन हाँ, अगर सब कुछ एकदम बहुत सही और स्टिल एक्सट्रीम गर्म हो रहा है तो आप बेटर है कि हो सकता है चार्जर कई बार पुराना हो जाता है, नो, इसकी भी एक लाइफ स्पैन होती है, तो यू कैन अपग्रेड टू 45 वॉट चार्जर। बट टैब में कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेके यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। जी माइंड पूछ रहे हैं, OnePlus 13 लॉन्च डेट इन इंडिया क्या है? यार मुझे भी नहीं पता क्या है, सच बताऊं तो। आई हैव नो आइडिया कि इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है, बट जब भी होगा आपको सबसे पहले मालूम चले जाएगा ऑफ कोर्स मेरी तरफ से। लास्ट क्वेश्चन है दिनेश की तरफ से, वो कह रहे हैं मैं iPhone 12 यूज़ कर रहा था, अभी iPhone 16 में अपग्रेड किया है, बट इन बैटरी सेक्शन सेम है जैसा iPhone 12 बैकअप दे रहा है, इट इज सेम विद अदर्स ऑल्सो या फिर एनी सेटिंग चेंजेस रिक्वायर्ड? मतलब कंप्लेंट है या क्या है ये मेरे को आप बताओ, बट हाँ बैकअप दे रहा है मतलब सेम, देखो एक्जैक्टली सेम तो नहीं है, डेफिनेटली आईफोन 16 का बैटरी बैकअप इज बेटर देन आईफोन 12 जेन्युइनली। सेटिंग्स वगैरह में कुछ चीज़ें कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि स्क्रीन ब्राइटनेस आप किस पे रखते हो, लॉक ऑटो वो कितनी देर में होता है, बैकग्राउंड में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, दिस दैट। कई बार क्या होता है जब नया नया फ़ोन आप लेते हो एक दो दिन थोड़ा सा उसके अंदर इनिशियली बैटरी को भी सेटल में टाइम लगता है, उसके बाद आप एक्चुअली बैकअप देखोगे। अगर आपने एकदम तुरंत तुरंत लिया है तो वेट फॉर अ फ्यू डेज फॉर द बैटरी टू सेटल, उसके बाद में आपको एक जेन्युइन उसका बैकअप मिलेगा। और यू कैन कंपेयर बाय स्क्रीन ऑन टाइम और वो सब चीज़ें कि भैया हाँ कितना मेरा प्रैक्टिकल यूजेज चल रहा है। बट इफ आई गिव यू माई रिजल्ट्स तो आईफोन 16 का बैकअप डेफिनेटली आईफोन 12 से बेटर है। दैट्स इट। ओके तो गाइज ये थे सवालों के जवाब जो भी आपने पूछे थे यूजिंग हैशटैग बोलोगुरुजी, और आई होप कि आपको उनके जवाब मिल गए हैं। अगर आपका सवाल मिस हो गया देन आई एम रियली सॉरी यार, आप दोबारा से पूछ सकते हो, आपको बताया कितना आसान है। नीचे आप कमेंट कर सकते हो यूजिंग हैशटैग बोलोगुरुजी, ट्विटर जाके आप ट्वीट कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।